वेलकम बैक टू द वीडियो। और इंस्टाग्राम पे हमने बहुत टाइम तक अपने अकाउंट पे कोई काम नहीं किया है और हम लोग कर भी नहीं रहे हैं बहुत टाइम से। हम लोग ना स्टोरी डाल रहे हैं, ना रील डाल रहे हैं, ना हमारा अकाउंट एक तरह से शैडो बैन हो चुका है। लोग बोलते हैं कि फ्रीज हो चुका है। अब उसे अनफ्रीज कैसे करना, उसकी रीच वापस कैसे लानी, इस वीडियो में उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही सॉलिड से एक निंजा टेक्निक आपको बताने वाला हूँ। लोगों ने उस टेक्निक पे अपना करियर बना लिया है, अब आप उसे यूज करके अपना अकाउंट एटलीस्ट शैडो बैन से हटा तो सकते हो, यानी कि अनफ्रीज तो कर सकते हो। एंड डिटेल में बात करेंगे तो बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना है। एक ही टेक्निक है, एक ही बताने वाला हूँ, करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन, वीडियो पसंद आया वीडियो को यस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे ही लेके चलता हूँ। यहाँ से यहाँ पे आपको मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही होगी, हम लोग इंस्टाग्राम पे चल लेते हैं। अब आपने बहुत टाइम तक कोई काम नहीं किया इंस्टाग्राम पर, आप कर भी नहीं रहे हो, पहले तो सबसे पहले आप करो इंस्टाग्राम को अपडेट। इंस्टाग्राम को अपडेट करने के बाद अब आपको क्या काम करना है, पहले नोट बना लो कि आपको क्या क्या करना है। आपको डेली 3 स्टोरी पोस्ट करनी है, 1 रील पोस्ट करनी है। एक भी नहीं कर पा रहे हो, वीक में एक कर पा रहे हो, लेकिन करो। इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना है, थोड़ा सा मीम शेयर करो, मीम थोड़े से बोलो लोगों को तुम्हें भी करें, और उन पे थोड़ा सा रिएक्ट भी करो, इंटरेक्ट करो बस प्रोफाइल पे एक। अब आपको जो टेक्निक मैं बताने वाला था वो करना है। आपने एक ऑप्शन देखा होगा यहाँ से, अगर हम लोग अपने प्रोफाइल के आइकन पे आते हैं तो राइट टॉप करो, 3 लाइन पे टैप करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाना है। ये वाली नई सेटिंग्स आ गई हैं, ये आपने देखा होगा, अपडेट करने के बाद आपको यही मिलेंगी। ओके, अब आपको हल्का सा नीचे की तरफ जाना है ना, आपको एक ऑप्शन दिखेगा और थोड़ा सा नीचे जाओ, यहाँ पे कमेंट के नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है शेयरिंग एंड रिमिक्सेस, इस पर टैप करो। एंड ये जितनी भी सेटिंग्स है ना, अलाउ पोस्ट शेयरिंग टू स्टोरी, अलाउ पोस्ट शेयरिंग इन मैसेज, अलाउ पोस्ट शेयरिंग गाइड, एंड ये रहा अलाउ रिक्वेस्ट फीचर योर पोस्ट इन शॉप्स, सबको अलाउ रिमिक्स ऑल, इनको भी आपको अलाउ रिमिक्स फीड और अलाउ रिमिक्स पोस्ट, इनको भी आपको टर्न ऑन करना है। अब आप जब भी कोई रील बनाओगे तो आपकी रील रिमिक्स की जा सकती है, प्लस आप लोगों की रील को रिमिक्स कर सकते हो। इससे ये फायदा होगा कि जितनी भी ट्रेंडिंग रील है ना, जितनी भी ट्रेंडिंग है, इनिशियली अपने अकाउंट की रीच वापस लाने के लिए आपको उन ट्रेंडिंग रील्स के साथ रिमिक्स बनाना है। रिमिक्स बनाओगे, जितने भी मिलियंस पे व्यूज होंगे, जो भी क्रिएटर आप अच्छा लगता है, जिस जो भी आपको या फिर जिसको भी आप एडमायर करते हो, उसकी रील्स अगर वायरल हो गई है या किसी ट्रेंड पे कोई ट्रेंड वायरल हो रहा है और उस पर लग रहा है आपको कि इस पर व्यूज आएंगे, उसके साथ रिमिक्स कर दो, या तो उस पर रिएक्ट कर दो ऐसे ऐसे करके, या फिर आप उसके साइड में करके रिएक्ट कर दो, लेकिन आपको रिमिक्स बनाना है। इससे ये होगा उसके अकाउंट के साथ साथ लोग आपके भी अकाउंट को चेक करेंगे, जिससे आपके अकाउंट की रीच वापस आना स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये एक बहुत बड़ी निंजा टेक्निक है जिससे लोगों ने अपने अकाउंट को, वैसे तो लोगों ने करियर बना लिया इस पर, अब किसने करियर बनाया कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी आपको करियर नहीं बनाना है, आपको सिंपल अपने अकाउंट की रीच वापस लानी है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ यही अकाउंट आपको रखना है हमेशा के लिए, तो आप ये काम कर सकते हो, आप रिमिक्स स्टार्ट कर दो करने, एंड कुछ टाइम करना, ये नहीं कि आपने बस करना ही करना है। तो रिमिक्स करने के बाद उसके बाद अपना खुद का नीश पे ही काम करना स्टार्ट करना। मैं नहीं कह रहा कि रिमिक्स ही करते जाओ, बस थोड़ा अकाउंट को रिवाइव करने के लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, रील बनाओ, रिमिक्स करो सबके साथ, एंड उससे आपका अकाउंट हो जाएगा रिवाइव। स्टोरी डालना मत भूलना, स्टोरी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्टिव रहने में, प्लस एक अगर आप फीड पोस्ट भी डाल सकते हो वीक में 1-2 तो वो भी डालो, रील तो आपको डालनी है। बाकी ऐसा करके आप अपने अकाउंट को वापस से रिवाइव कर सकते हो एंड रिमिक्स करना स्टार्ट कर दो। अगर आप करोगे ऐसा तो कमेंट बॉक्स में यस नो लिख देना, उसी के साथ साथ वीडियो भी पसंद आई होगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।